जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों जैसा कि मैं कल वीडियो बनाया था दोस्तों, यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 की जो रिजल्ट आया दोस्तों, फाइनल रिजल्ट यहाँ पे आ चुकी है। और कल जो मैंने रिजल्ट के बारे में वीडियो बनाया था दोस्तों, उसमें मैंने बोला था कि जैसे ही मार्कशीट आती है दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा कि जो भी टॉपर्स हैं दोस्तों, उनका मार्कशीट मैं आप लोग को दिखाऊँ, उनका ऑप्शनल क्या था या उनके कौन से पेपर में कितने मार्क्स आए हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट में कितना मार्क्स आया, टोटल ओवरऑल उनका मार्क्स कितना आया है, हर चीज़ से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो मुझे दो मार्कशीट यहाँ पे मिल चुका है दोस्तों। पहला जो मार्कशीट है वो रवि कुमार सुहागी, यानी हिंदी माध्यम से जो टॉप किए हैं दोस्तों, हिंदी माध्यम से टॉप किए हुए हैं ये रवि कुमार सुहागी, जिनका जो रैंक है वो 89 है। जिसको रैंक की अगर बात करें इनका, तो रैंक 89 है दोस्तों, रवि कुमार सुहाग, और हिंदी माध्यम से ये टॉप किए हुए। तो इनका कितना आया हुआ, हर चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि कल मेरे से गलती हो गई थी दोस्तों, रैंक 4 जो है वो ऐश्वर्या वर्मा नहीं बल्कि ऐश्वर्य वर्मा है, जो एक मेल है दोस्तों। और आप लोगों ने देखा दोस्तों, बहुत सारे ऐसे मीम्स भी बन रहे हैं और बताया जा रहा है कि वो सभी लोग उसे फीमेल समझ रहे हैं, महिला समझ रहे हैं दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं है, वो मेल है। और मेरे से भी कल गलती हुई, मैं उन्हें फीमेल बोल दिया जबकि वो एक मेल है, तो मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। हम लोग यहाँ पे जो हिंदी माध्यम से टॉप किए हैं रवि कुमार सिहाग जी, उनका हम लोग यहाँ पे मार्कशीट देखते हैं दोस्तों। दोस्तों आप लोग को चेक करना है कि यह मार्कशीट रियल में 2021 की जो रिजल्ट आई हुई है उसका ही मार्कशीट है या नहीं, तो आप लोग यहाँ पे रोल नंबर से चेक कर सकते हो दोस्तों। रोल नंबर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, 6624586 यहाँ पे रोल नंबर है रवि कुमार सिहाग जी का दोस्तों। 2021 का जो रिजल्ट आया फाइनल रिजल्ट, उसका रोल नंबर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे जो रिजल्ट आया आप लोग यहाँ पे सामने देख सकते हो, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन शॉट में आप लोग दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, यह जो रोल नंबर है दोस्तों वो इस बार यानी 2021 का जो फाइनल रिजल्ट आया है उसका ही रोल नंबर है रवि कुमार सिहाग जी का, जिनका रैंक जो है दोस्तों वो 18 आया हुआ है हिंदी माध्यम से। दोस्तों अगर बात करें इसके पहले अगर हिंदी माध्यम से कौन टॉप किए थे, तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों, ये है निशान जैन जी दोस्तों, जो 2014 में टॉप किए थे हिंदी माध्यम से। और इनके अगर रैंक की बात करें तो अब तक का सबसे अच्छा रैंक यानी रैंक 13 इनका आया था दोस्तों, और ये अभी राजस्थान में पोस्टेड है, राजस्थान कैडर इनको एलोकेट किया गया था दोस्तों, और वो अभी राजस्थान में पोस्टेड है। तो चलिए दोस्तों अब इनका हम लोग मार्कशीट देखते हैं रवि कुमार सिहाग जी का, इनका कौन से पेपर में क्या मार्क्स आया था दोस्तों। अगर बात करें जैसा कि आप लोग पता है दोस्तों कि जो मेंस होता है, जो मुख्य परीक्षा था दोस्तों, उसमें एसए के एक पेपर होते हैं, जनरल स्टडी के 4 पेपर और ऑप्शनल के 2 पेपर, यानी टोटल अगर बात करें तो टोटल 7 पेपर पे एग्जाम लिया जाता है दोस्तों। तो हम लोग हर पेपर का यहाँ पे मार्क्स देखेंगे कि कितना मार्क्स इनको आया है और ऑप्शनल पेपर क्या था इनका। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, रवि कुमार सिहाग जी का जो ऐसे का जो पेपर है दोस्तों, उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मार्क्स है वो 143 इनको मिला था। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों आगे, अगर जनरल स्टडी पेपर 1 की अगर बात करें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरल स्टडी पेपर 1 में जो है दोस्तों वो 98 मार्क्स इनको मिला था, यानी जी हाँ दोस्तों, जनरल स्टडी पेपर 1 में इनको 98 मार्क्स मिला था। उसके बाद अगर बात करें जनरल स्टडी पेपर 2 में दोस्तों 118 मार्क्स इनको मिला। उसके बाद अगर जनरल स्टडी पेपर 3 की बात करें, तो उसमें 91 मार्क्स इनको मिला दोस्तों। उसका जनरल स्टडी पेपर 4, जिसको जनरल स्टडी पेपर 4 में आप लोग देख सकते हो, 117 मार्क्स इनको मिला दोस्तों। उसके बाद अगर बात करें ऑप्शनल की, तो ऑप्शनल आप लोग देख सकते हो दोस्तों, ऑप्शनल जो है वो है हिंदी लिटरेचर एंड लैंग्वेज, जिससे यानी हिंदी लिटरेचर और लैंग्वेज है इनका दोस्तों। और अगर मार्क्स की बात करें ऑप्शनल पेपर 1 की अगर बात करें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 144 मार्क्स इनको मिला है ऑप्शनल पेपर 1 में। और अगर बात करें ऑप्शनल पेपर 2 की दोस्तों, तो उसमें आप देख सकते हो 140 मार्क्स इनको मिला है ऑप्शनल पेपर 2 में। तो अब हम लोग यहाँ पे देखें दोस्तों, रिटर्न में टोटल मार्क्स क्या आया रवि कुमार सिहाग जी का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल जो मार्क्स है रिटर्न मुख्य परीक्षा का दोस्तों, वो 851 जिसको 851 इनको मिला था। उसके बाद अगर पर्सनैलिटी की बात करें, तो पर्सनैलिटी टेस्ट में इनको 171 मिला था, 275 मार्क्स में इनको 171 मार्क्स मिला, जो सही है दोस्तों, अच्छी मार्क्स है। तो यहाँ पे अगर हम लोग टोटल मार्क्स की बात करें दोस्तों, टोटल ऐड करने के बाद यानी मुख्य परीक्षा और पर्सनैलिटी टेस्ट को ऐड करने के बाद दोस्तों, इनका जो टोटल ओवरऑल मार्क्स होता है वो होता है 1022, जिससे यानी 1022 मार्क्स इनको मिला, और इनका जो रैंक है वो 18 हो गया, जिससे यानी इनका रैंक 18 हुआ, और ये हिंदी माध्यम से सबसे ऊपर इनका रैंक है दोस्तों। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों, हिंदी माध्यम से जो टॉपर हैं वो है सुनील कुमार धनवंता, जिससे सुनील कुमार धनवंता पहले से आईपीएस थे दोस्तों, और इनका जो इस बार रैंक है वो रैंक 22 आया है, यानी इनको जो है वो आईएएस जरूर मिल जाएगा। तो इनका भी मैं मार्कशीट आप लोग को दिखाऊंगा दोस्तों, इनका भी मार्कशीट मेरे पास आ चुका है, लेकिन इसके बाद मैं दिखाऊंगा, इस वीडियो में अगर मैं दिखाता हूँ तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका भी मार्कशीट आप लोग को दिखाऊंगा। ओके दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही, आई होप यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा। आगे के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, और हाँ दोस्तों अगर इससे रिलेटेड किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मेल कर सकते हो। ओके दोस्तों, जय हिंद जय भारत।